यही कारण है कि कोरोना वायरस हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है, क्योंकि हाथ पैर ब्रेन के सेल्स में ACE2 रिसेप्टर नहीं पाया जाता। और जो इस कोरोना वायरस की चाबी का सही ताला है वो लंग्स के सेल पे ही है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब सेल के आसपास प्रेजेंट सभी चीजें सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती, पर कोई कोई कर सकती हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स सेल के बाहर से अंदर जा सकते हैं और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर जा सकता है। अब जैसे ही सेल के ACE2 रिसेप्टर पर ये कोरोना वायरस जाके लॉक हो जाता है, वैसे ही सेल को लगता है ये फ्रेंडली चीज है और सेल एंट्री अलाउड कर देता है। बस यहीं से तबाही शुरू। अब कोरोना वायरस अपना RNA डायरेक्टली सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा और पूरे सेल को हाईजैक कर लेगा। आसान भाषा में कहूं तो कोरोना वायरस सेल को बोलेगा कि जो भी काम तू कर रहा था वो बंद कर और जो काम मैं बताता हूं वो कर, मेरी कॉपीज बना। ये जो कोरोना वायरस का RNA है, इसके जीनोमिक कोड्स के अंदर कॉपीज बनाने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारा बॉडी सेल कोरोना वायरस की लाखों करोड़ों कॉपीज बना देगा और कम स्पेस होने की वजह से प्लस दूसरे कारणों की वजह से खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मान लीजिए कोरोना वायरस इंसान की बॉडी में 1 तारीख को एंटर किया, तो सबसे पहली बार इन्फेक्शन फैलाने में, या यूं कह लो कि ये सबसे पहला सेल डिस्ट्रॉय होकर कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपीज बनने में 2 से 10 दिन तक लग सकते हैं। इसी समय को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना वायरस इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। यानी कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके सामने खड़े इंसान की बॉडी में कोरोना वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि अभी वो बुखार या और सिम्टम्स शो नहीं कर रहा, या यूं कह लो कि वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, तो आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है और आप 1 मीटर की दूरी बनाए बिना ही उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। अब जैसे ही ये सेल ब्लास्ट होगा और लाखों कोरोना वायरस और जन्म लेंगे, तो हमारा इननेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो इन सभी कोरोना वायरस को मारने में लग जाएगा। याद रहे कि आपको COVID-19 में बुखार भी इसलिए होता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना ताकि वायरस मर जाए, एक्सेट्रा। अब जो यंग लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर रहे हैं, उसके पीछे की साइंस समझते हैं। जब ये कोरोना वायरस और इम्यून सिस्टम की लड़ाई हो रही होती है, उस टाइम हमारा एडवांस्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। वो फिर फटाफट से एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स पर जाके कनेक्ट हो जाती हैं। अब कोरोना वायरस फंस गया,